आज देखते हैं कि नेदरलैंड्स की लोकल सब्जी की दुकान में क्या क्या चीजें मिलती है और कितने की। कमा, ये कोई सुपरमार्केट नहीं है बल्कि एक वीकली मार्केट में जो टेम्पररी शॉप्स रहते हैं ना, वैसी शॉप है। यहाँ इंडियन घरों में यूज होने वाली हर चीज इजीली मिल जाती है। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी एंड टाइप्स के ऑनियंस है, हरी मिर्च इतनी सारी, पतली से लेकर शिमला मिर्च तक। बेसिक चीज है जैसे कि नींबू, अदरक, मूली, ये सब इजीली मिल जाता है। बहुत टाइप्स के फ्रूट्स भी है जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के पेयर्स रखे हुए हैं। और यहाँ की स्ट्रॉबेरीज तो वर्ल्ड फेमस है क्वालिटी और टेस्ट में। और पता है यहाँ ड्रैगन फ्रूट को क्या कहते हैं? पिटाया। कई चीजें तो मेरे लिए भी एकदम नई है। आपको पता है कि इन चीजों को क्या कहते हैं ना, तो कमेंट करके बता देना। तो भाई मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे हर इंडियन फैमिली ना आराम से रह सकती है। और दो लोगों का वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का मंथली एवरेज एक्सपेंस रहता है 100 से 150 यूरो के आसपास। पर यहाँ कमाते भी यूरोज में है, तो इतना महंगा नहीं है। बाकी इसके अलावा कोई और भी लोकल नेदरलैंड्स की दुकान देखने का शौक है ना आपको, तो नीचे कमेंट करके बताना। है ना मस्त।